Hello guys, welcome or welcome back to Lawgiri. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. Today we are discuss how to prepare for NLSAT 2023. So NLSAT 2023, NLSAT ka the exam hai, that is for NLSIU Bangalore three-year LLB program. Okay, so if you are new to three year law entrance exams, so I want to tell you that I've done a video introduction the hai three year law entrance exams. And if you are preparing for any other three year law entrance exam or five year law entrance exam, I have done preparation strategy videos for all of them. Link is going to be in the in the description box, you can check that out. So, yes, you can watch the introduction video if you want to know more about three year law entrance exams.

I'm going to discuss in de detail strategy for each and every subject that you have to adopt. How uh, I am I going to help you? That also I'm going to discuss in this video. Let's get started with today's session. Yeah, guys, welcome to Logiri. I hope you're subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification <laughs> so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy if you want to stay motivated and if you want to stay connected a little more with Loggeri then do follow us on instagram first of all eligibility criteria so eligibility criteria any person holding a bachelor's degree so you have a in any discipline तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि दीदी दी हम किसी स्ट्रीम से भी हो सकते हैं यस yes, आप किसी स्ट्रीम से भी हो सकते हो आपने इंजीनियरिंग किया आपने एमबीबीएस किया आपने बीडीएस किया कुछ भी किया बीएससी किया बीए किया बीबीए किया बी कॉम किया इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है बट ग्रेजुएशन होनी चाहिए ठीक है आफ्टर ट्वेल्व डायरेक्टली आप ये एग्जाम नहीं दे सकते ग्रेजुएशन के बाद आप ये एग्जाम दे सकते हो नंबर वन नंबर टू अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो फोर्टी ओवरऑल मार्क्स ग्रेजुएशन में रिक्वायर्ड है एस सी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो फोर्टी मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है ठीक है उसके बाद अब बहुत बच्चों का क्वेश्चन होगा कि दीदी अभी तो हमारा फाइनल सेमेस्टर फाइनल एग्जाम हुए नहीं है तो क्या हम ये एग्जाम दे सकते हैं यस इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया स्टूडेंट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर बैचलर्स डिग्री आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई ठीक है हाउवर द फाइनल ऑफर ऑफ एडमिशन विल बी कॉन्टिजेंट अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द बैचलर्स डिग्री तो बेसिकली आप अगर अभी 2022 के अंदर अगर आप फाइनल ईयर के अंदर है एंड ऑब्वियसली 2023 के अंदर आपका फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा तो आप ये फॉर्म फिल कर देना जब भी फॉर्म्स आएंगे आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट दैट बिकॉज यू कैन गिव दिस एग्जाम एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज दैट इवन इफ your रिजल्ट आपका अगर फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट लेट भी आता है तब भी ये आपको प्रोविजनल एडमिशन दे देंगे एंड यू हैव टू सबमिट योर फाइनल रिजल्ट ऑफ द बैचलर डिग्री बाय दिसंबर थर्टी फर्स्ट मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के अंदर आप थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक आप इनको अपना रिजल्ट लाकर दे दोगे तो आपकी एडमिशन जो प्रोविजनल थी वो प्रोविजनल नहीं रहेगी उसके बाद ठीक है ना इसका मतलब ये है कि नॉर्मली जो दूसरे कॉलेजेस हैं वो क्या कर रहे हैं कि अगर आपका बैचलर्स का रिजल्ट नहीं आया ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया तो वो आपको एडमिशन नहीं दे रहे हैं बट ये लोग आपको प्रोविजनल एडमिशन दे, दे देंगे वेट करेंगे आपके रिजल्ट की कि आप पास हो गए और जो ये फोर्टी फाइव से हो गए हो तो आपका दिसंबर तक दे आर गोइंग टू वेट दिसंबर ट्वेंटी ओके okay, सो so इसका मतलब यह है कि आप बिल्कुल बिल्कुल एनएल साठ का एग्जाम दे सकते हैं अगर आप 2022 के अंदर फाइनल ईयर के अंदर हैं और 2023 के अंदर आपका फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा ओके okay? इनटेक एंड रिजर्वेशन तो यहाँ पे 60 सीट्स है तो अगर आप रिजर्वेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर कर यू कैन चेक आउट फीस कितनी है तो जनरल कैटेगरी की जो फीस है वो है टू लाख एटी पर आना मतलब एस सी एस टी स्टूडेंट्स की है टू लाख एटी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव पर आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज दैट देखिए यहाँ पे नो डाउट फीस बहुत ज्यादा है बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लॉ स्कूल ओके सो यू शुड ट्राई फॉर दिस नंबर वन एंड नंबर टू यू कैन टेक एजुकेशन लोन

पेपर जो इंटरव्यू होता है वो बाद में होता है parts, part A, MCQs, तो यहाँ पे ये जो आपका है ये एमसीक्यू वाला पार्ट ए है एंड जो सब्जेक्टिव है वो पार्ट बी है ठीक है तो ऐसे आपका पेपर होता है ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपको कितना टाइम दिया जाएगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ओके okay? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द एग्जाम सो ये बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि हमारा जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है तो आपका जो एग्जाम है देखिए ट्वेंटी ट्वेंटी टू फर्स्ट टाइम ट्वेंटी ट्वेंटी अब ट्वेंटी थ्री में ये सेकेंड टाइम आपका एग्जाम होगा तो यहां पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म्स थे वो सेवन जनवरी को यू uh, नो you know, आ गए थे और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई थी एग्जाम जो हुआ था वो आपका ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल को हुआ था तो हम कह सकते हैं कि समवेयर मार्च अप्रैल में इनका एग्जाम होता है

अराउंड सिक्स टू सेवन मंथ आप कह सकते हैं आपके पास है जो आपको रिक्वायर्ड है अगर आपको आराम से यू नो प्रेपरेशन करनी है अच्छी प्रेपरेशन करनी है ठीक है काम और यू नो वेरी कामली आपको प्रेपरेशन करनी है तो दिस इज दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रेपरेशन ओके पार्ट ए तो पार्ट ए के अंदर जो की हमारा पार्ट ए जो है वो सेवेंटी फाइव मार्क्स का है ठीक है ना तो पार्ट ए के अंदर क्या है पार्ट ए के अंदर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो आपका है वो ट्वेंटी फाइव मार्क्स का होगा ठीक है इसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही आते हैं आपके गाइस आई वांट टू टेल यू कि मैंने इसका क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया हुआ है का वो आप जरूर देखना बिकॉज वो आपको पेपर को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में uh, मिल जाएगा आपको करंट अफेयर्स 25 मार्क्स के हैं ठीक है क्रिटिकल रीजनिंग इंक्लूडिंग लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स के हैं ठीक है ना तो यहां पे जो आपका पेपर है ना ये कंबाइंड आता है तो जैसे पैसेज दे देंगे वो ठीक है ना पैसेज में से ही इसी पैसेज में से एक पैसेज में से डिफरेंट नंबर ऑफ पैसेजेस होंगे उस इसी पैसेज में से आपको इंग्लिश का क्वेश्चन भी पूछ लेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का इसी पैसेज में से वो लीगल का भी बना देंगे ठीक है इसी पैसेज में से वो करंट अफेयर्स भी निकाल कर पूछ लेंगे ठीक है और इसी पैसेज में से वो रीजनिंग भी पूछ लेंगे क्रिटिकल रीजनिंग भी तो ये ऐसा सा पेपर डालते हैं मतलब ऐसा सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर इज नॉट देयर पेपर जो है वो पूरा का पूरा यू नो नॉट इवन जम्बल्ड मतलब एक पैसेज में से ये नहीं है कि अच्छा ये जो पैसेज है ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का है नो ये जो पैसेज है इसमें से सब टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं तो इसके लिए इसका पेपर जरूर देख लेना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आगे है 75 मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन जो आगे हमें हमने करी है ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको नोट कर लेना है देखिये एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है पार्ट ए इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरव्यू इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट द बेस्ट पार्ट इज कि इनकी प्रिपरेशन जो है ना वो आपस में सेम है ठीक है आपको कुछ बहुत कम कम डिफरेंस है तो अगर आप एक चीज पढ़ रहे हो उसको एक वे से पढ़ लोगे तो आपके दोनों ही पार्टे प्रिपेयर हो जाएंगे राइट तो वो हम डिस्कस करेंगे कैसे प्रिपेयर करना सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश जो कि 25 मार्क्स की आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो आपको मेजरली कवर कर कर जाने हैं ठीक है ना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो लेवल था वो बैंकिंग एग्जाम के जो पैसेजेस होते हैं अगर आप वो ऑनलाइन निकाल कर पढ़ लेंगे या फिर आप बुक खरीद लेंगे कोई या फिर आप एडिटोरियल हर रोज पढ़ेंगे द हिंदू में से तो आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करना कुछ डिफिकल्ट नहीं रहेगा राइट एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने के लिए मैं आपको ये कहूंगी कि जैसे जो क्वेश्चन होते हैं ना कि मेन थीम क्या है टोन ऑफ द पैसेज क्या है ठीक है पर्पज क्या है पैसेज का आ, उसके बाद ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चन टाइप्स जो हैं वो एक बार आप देख सकते हो किसी की किसी बुक में से भी देख सकते हो मैंने एक पीडीएफ भी शेयर किया हुआ है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लॉगिरी डॉट कॉम पे आप उसमें से भी चेकआउट कर सकते हो डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स कैसे सॉल्व करना है तो एक आइडिया रहता है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अप्रोच कैसे करना है राइट तो इससे क्या होगा कि जो आपके आंसर्स होंगे वो वर्क पे नहीं रीजन बेस्ड आंसर्स होंगे तो इतनी मेहनत अगर आप कर लोगे तो फॉर श्योर sure आपके जो पैसेजेस हैं वो करेक्ट होंगे उसके बाद ग्रामर पढ़ लेना जैसे टेंसेस

ठीक है ना तो वहाँ पे ये अवेलेबल है लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी उसके बाद आती है सो वोकैबुलरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन रीडिंग द हिंदू द हिंदू को पढ़ो और उसमें से जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स कुछ नहीं होते हैं कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो न्यू वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होता या फिर कुछ कॉमन वर्ड्स भी होते हैं जिनका मीनिंग हम गेस वर्क पर चला रहे होते हैं ठीक है ना तो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप न्यूज़पेपर में कोई वर्ड देखते हो अगर आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है तो वो मीनिंग्स आप चेक करने लग जाओ नॉट ओनली चेकिंग द मीनिंग बट ऑल्सो नोटिंग इट डाउन अपनी वर्ड लिस्ट क्रिएट करना देखो यहां पर आप कहोगे वर्ड पावर मेड ईजी पढ़ लेते हैं हम है ना वर्ड पावर मेड ईजी पढ़ लेते हैं बिकॉज वोकेबलरी के लिए दैट इज द बेस्ट बुक देखिए अगर आप वर्ड पावर मेड ईजी पढ़ना चाहते तो आप पढ़ लीजिए बट आप वर्ड पावर मेड ईजी पढ़ रहे हैं तो आप ये वाली चीज जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं है वर्ड पावर मेड इजी इस चीज का दैट इज टू यू नो पिक अप वर्ड्स फ्रॉम द हिंदू फाइंडिंग द मीनिंग एंड मेकिंग योर ओन वीकली वर्ड लिस्ट देखिए वीकली वर्ड लिस्ट बनाओगे तो याद करना ईजी रहेगा कि आज मैं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई की रिवाइज करूंगी आज मैं फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर की याद करूंगी तो वो याद करना थोड़ा इजी हो जाता है अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लिस्ट बनाते हो बट खुद की वर्ड लिस्ट बनाना ज्यादा आपको हेल्प करेगी एंड अकॉर्डिंगली आप आंसर राइटिंग में भी ये वर्ड्स जो है वो यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा राइट तो यहाँ पर वोकैबली जो है वो आपको द हिंदू में से कवर करनी है अपनी वर्ड वकैबलिस्ट बनानी जरूरी है वर्ड पावर मेड इजी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो साइड बाय पढ़ोगे वो आपका ये नहीं होगा कि आप द हिंदू में से नहीं करो ठीक है आपके पास टाइम है तो आप वर्ड पावर मेड इजी पढ़ें बट द हिंदू में से जो वोकेबलरी निकालनी है वो आप करेंगे ही करेंगे जो मेरा चैनल है एजुगिरी जो कि करंट अफेयर्स की, की न्यूज वहां पे मैं कवर करवाती हूँ वहां पर आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड प्लस जो कॉमन वर्ड्स जिनका मीनिंग हमें लगता है कि हमें पता है बट एक्चुअल मीनिंग जो है मैं वो वहां पर बता देती हूँ तो आप एजुगिरी का जो सेशन है वो अटेंड कर सकते हैं जहां पर आपका द हिंदू का एनालिसिस भी होता है इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी कवर हो जाते हैं राइट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यही एजुगिरी का जो सेशन होता है सिक्स टू सेवन होता है अगर सिक्स टू सेवन आप नहीं हो तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी अटेंड कर सकते हो लिंक इज इनिप्शन का टेलीग्राम ग्रुप मिल जाती है जैसे ही भी हो जाएंगे। और इंग्लिश भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी बिकॉज स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलेगा कौन से वर्ड्स नोट करने हैं तो वो आपको पता चल जाएगा पार्ट करते हैं पार्ट बी की तो अब देखिए पार्ट ए और पार्ट बी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम है तो इसलिए पहले पार्ट बी का मैं आपको बता देती हूँ फिर आपको मैं सब्जेक्ट एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ यू हैव हाँ टू प्रिपेयर तो पार्ट बी के अंदर जो हमारा 65 मार्क्स का होता है एंड ये सब्जेक्टिव पार्ट होता है इसके अंदर मतलब हमारी राइटिंग पार्ट हम इसको बोल सकते हैं तो इसके अंदर हमें क्या करना है इसके अंदर आपका लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग है 50 मार्क्स का और करंट अफेयर्स है 15 मार्क्स। प्लीज ये जो है ये नोट कर लीजिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ लेते हैं तो कितने क्वेश्चन हो होंगे फाइव मार्क्स के होंगे मार्क्स का हमारा होगा और ये लीगल रीजनिंग का पार्ट है इसके अंदर इन्होंने सबसे पहली बात जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या कहा है प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट रिक्वायर्ड प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट रिक्वायर्ड ठीक है तो जब हम इस इन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं तो हमें बहुत बहुत कॉमन सेंस बेस पर आंसर करना है बट कॉमन सेंस के साथ साथ हमें क्या देना है आंसर राइटिंग में हमें अपनी ओपिनियन देनी है और ओपिनियन जो हम दे रहे हैं जो हम कह रहे हैं उसके लिए हमारे पास रीजन होना चाहिए ठीक है ना ये हमारा ये चाहते हैं आई वोड टेल यू कि आप कैसे इसकी प्रिपरेशन करोगे बट ये जो चीज है हमें याद रखनी है उसके बाद करंट अफेयर शेल कंसिस्ट ऑफ वन एस ऑफ नॉट मोर देन 500 हंड्रेड वर्ड स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर टू आंसर वन ऑफ थ्री ऑप्शन तो थ्री ऑप्शन वहां पे हमें प्रोवाइड करी जाएंगे और उसमें से हमें कोई भी एनी वन हमें पिक करना है एंड वी हैव टू राइट एन आंसर ज ऑफ द इशू की क्या है स्टोरी हुआ क्या करंट इवेंट किस चीज से रिलेटेड है अबिलिटी टू मेक कोकेंट रिटर्न आर्ग्यूमेंट एंड राइट स्ट्रक्चर्ड एस ए तो वेल स्ट्रक्चर्ड एसे चाहिए इनको आपसे ठीक है एंड वॉट एल्स दे वॉन्ट दे वॉन्ट यू दे वॉन्ट टू चेक योर अबिलिटी टू राइट डाउन आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स के अंदर भी अगेन एक मिनट वेल स्ट्रक्चर चाहिए यहाँ पर ठीक है ये लिख लीजिए एंड आर्ग्यूमेंट ठीक है आर्ग्यूमेंट्स के अंदर आई वॉन्ट टू टेल यू की अगेन रीजन ये लोग चाहते हैं आप लोगों से कि आप अगर कह रहे हो कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए या ये ऐसा होना चाहिए तो इट शुड बी फॉलोड बाई अ रीजन ठीक है ये नो में आंसर नहीं देना यू हैव टू गिव

बात करेंगे करंट अफेयर्स की तो करंट अफेयर्स के अंदर हमारा जो एमसीक्यू पार्ट है वो आ रहा है पार्ट ए के अंदर और करंट अफेयर्स के अंदर से आ रहा है वो और ऐसे राइटिंग हमारा आ रहा है पार्ट बी के अंदर ठीक है ना तो करंट अफेयर्स हमने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और हमने ऐसे राइटिंग भी करनी है करंट अफेयर से रिलेटेड तो हमारी प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स प्रिपरेशन के लिए जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी है रीडिंग द न्यूज़पेपर रीडिंग द हिंदू ये मैंडेटरी है अगर आप ये एग्जाम क्लियर करना चाहते हो बिकॉज देखिए पार्ट ए के अंदर भी ये है पार्ट बी के अंदर ये है ठीक है और इंटरव्यू के अंदर भी ये है ही है ठीक है ना इंटरव्यू के अंदर भी आपका करंट अफेयर्स का नॉलेज जो है वो चेक होता ही होता है राइट तो इसलिए द हिंदू मैंडेटरी है आपको पढ़ना ही है फ्रॉम द डे यू से यू टू गिव दिस एग्जाम स्टार्ट रीडिंग द न्यूज पेपर द हिंदू का एनालिसिस जो एजुगिरी पे होता है 6 पी एम टू सेवन पी एम अगर आप फ्री हो तो प्लीज लाइव लेक्चर अटेंड करो नहीं तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो अटेंड कर सकते हो ये एक यूट्यूब चैनल है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइज प्लीज स्टार्ट फॉलोइंग द न्यूज पेपर यहाँ पर एजोगिरी में आपको न्यूज पेपर समझ आने लग जाएगा बिकॉज आई टेल यू अबाउट द बैकग्राउंड न्यूज वन नंबर टू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी गो थ्रू इज दैट आई गिव यू द एक्स्ट्रा न्यूज ऑल्सो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑल्सो विद रिगार्ड टू द न्यूज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैन वी ऑल्सो डिस्कस द वर्ड मीनिंग एंड आई ऑल्सो टेल यू आर द पॉइंटर्स दैट यू नीड टू नोट तो आपके नोट्स भी बन जाते हैं देखिए आपको द दे हिंदू अकेला पढ़ना नहीं है आपको नोट्स भी बनाने हैं बिकॉज आपको ऐसे भी लिखना है और आपको एम सी क्यू फॉर्मैट में भी यू नो आंसर देना है तो लर्न तो कर कर जाना पड़ेगा और लर्न कैसे होगा जब रिवाइज करोगे रिवाइज कहाँ से करोगे अगर नोट्स बनाओगे तो आपको नोट्स बनाने जरूरी है और अगर आप मेरा सेशन अटेंड करते हो तो वहां पर आपकी सारी की सारी चीजें हो जाएंगी तो स्टार्ट डूइंग दिस बैकलॉग कैसे कर करना है वो मैं डिस्कस बट करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले द हिंदू फॉलो करो बिकॉज द हिंदू किया है हिंदू में से फैक्ट्स उठा उठाकर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि छुपे हुए जो मैं आपके लिए निकाल कर लेकर आती हूँ उनमें से क्वेश्चंस बना रहे हैं एन वाले राइट विच इज गुड फॉर आस ओके नेशनल न्यूज़ इंटरनेशनल अवार्ड अवार्ड्स गवर्नमेंट स्कीम सर्विस ये सब इंपॉर्टेंट है इसके लिए लीगल करंट अफेयर्स वाली वीडियोस जो हैं ये सीरीज है मेरी लीगल करंट अफेयर्स की जिसके अंदर जितना भी लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैं डिस्कस कर देती हूँ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व लीगल रीजनिंग क्वेश्चन एंड टू आंसर क्वेश्चन इन योर पेपर एन एल साठ के अंदर यहाँ पे भी आपको लर्न भी करना पड़ेगा इसके भी आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे बिकॉज अगेन ऐसे राइटिंग में भी हेल्प करेगा इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा और पार्ट ए के अंदर भी हेल्प करेगा ये वाली सीरीज बिल्कुल फ्री है लीगल करंट अफेयर्स की सीरीज लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट लीगल इश्यूज होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं प्लस जितनी भी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट की जजमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं देफोर आपकी जो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी राइट right? तो ये बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज है जिनका आप यूज कर सकते हो अगर आप न्यूजपेपर मेरे साथ नहीं पढ़ना चाहते हो खुद से पढ़ना चाहते हो तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की जो पिक्चर्स होती हैं वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देती हूँ एट आए लॉग इन पर ठीक है उसके बाद मेकिंग हैंड रिटन नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट द हिंदू के नोट्स मिस मत करना बाद में प्रॉब्लम पता क्या आती है बच्चों ने द हिंदू पढ़ा होता है उनके पास नोट्स नहीं होते ठीक है वो पूछते हैं अब हम रिवाइज कैसे करें फिर आप जाते हो जहां पर लिखा होता है इतना इंपॉर्टेंट यू नो हंड्रेड इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं भी करती हूँ ये वाली वीडियोज बिकॉज आप लोग डिमांड करते हो बट जिस बच्चे ने द हिंदू पढ़कर खुद के नोट्स बनाए हैं ना उसके उससे कुछ भी कंपेयर कर ही नहीं सकते राइट right. तो जितने मंथ्स ये पढ़े हैं सिक्स टू सेवन मंथ्स पढ़े हैं अगर सिक्स टू सेवन मंथ्स के आप प्रॉपर नोट्स बनाते हो और पढ़ते हो, हो ही नहीं सकता कि आपका एग्जाम क्लियर ना हो ये आपको मतलब बहुत बच्चों से आगे निकाल देगा ओके okay? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है नोट्स बनाना और द हिंदू को पढ़ना ड्यूरेशन देखिए आप जून 2022 टू तो अप्रैल 2023 तक की न्यूज कवर कर सकते हैं ठीक है अगर आप सितंबर अक्टूबर में भी न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दें या नवंबर दिसंबर में भी जो पिछली न्यूज है वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे कवर करना है ठीक है उसके बाद अगर जनवरी अगर आप चाहते हो कि बहुत ही मतलब कुछ रिस्क ही नहीं लेना नो रिस्क प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फिर आप जनवरी 2022 से भी अपना जो बैकलॉग है वो कवर कर सकते हो टिल अप्रैल 2023 जब भी आपका पेपर जब तक पेपर नहीं होता है देखिए बैकलॉग कैसे कवर करना है मतलब जो न्यूज का हमने न्यूज नहीं पढ़ा है वो कैसे कवर करना है वो आप विजन आई में से कवर कर सकते हो विजन आई की मैंने एक्सप्लेनेशन सीरीज स्टार्ट करी है मतलब वहां पर मैं आपको मैगजीन एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वो एक्सप्लेनेशन सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वो देख सकते हैं या फिर आप दृष्टि आईएएस भी पढ़ सकते हैं अगर आपको खुद से पढ़ना है ठीक है ना विजन आईएएस भी अगर आप पढ़ेंगे इस एग्जाम के लिए तो बहुत सही रहेगा ठीक है अगर आप दृष्टि आईएएस पढ़ना चाहते हैं तो ये दोनों मैगजीन्स यूपीएससी की मैगजीन है ठीक है अब देखिए यहाँ से आप अपना बैकलॉग भी कवर करेंगे एंड ये मैगजीन जो है ये आपको मैगजीन जो है ये जिस जिस मंथ्स के आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उनकी भी आपको मैगजीन पढ़नी पड़ेगी एनी इज इनफ एनी वन इज मोर देन इनफ अगर आप इनमें से एक भी पढ़ लेते हैं तो आप बहुत मतलब सही रहेगा इनमें इनको पढ़ना कैसे है इनमें से बेटर कौन सी वाली है इसके ऊपर मैंने वीडियोस ऑलरेडी करी हुई है नो no डाउट वो क्लाट कर लिखा हुआ है बट वो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेंगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड अगर आप चाहते हो कि कोई आपको एक्सप्लेन कर दे तो फिर आप विजन आई की जो मेरी सीरीज है वो आप फॉलो करें उसके अंदर बहुत अच्छे से आई एम एक्सप्लेनिंग एवरी तो वो आपको हेल्प करेगा देखिए ये मैगजीन आपको जो बैकलॉग है मतलब जिन मंथ्स का आपको आपने न्यूज नहीं पढ़ा उनके लिए तो आप ये पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बट जिन मंथ्स का आप न्यूज पढ़ रहे हैं उनके लिए भी आप ये स्टडी करेंगे बिकॉज आपको ऐसे लिखना है बिकॉज पार्ट बी के अंदर ऐसे लिखना है और ये जो मैगजीन होती है इसमें आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हमें प्रोवाइड हो जाती है बिकॉज यहां पर हमें क्या मिल जाता है हमें पॉइंटर्स मिल जाते हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वे फॉरवर्ड हम क्या कर सकते हैं तो ये जो ऐसे राइटिंग है बहुत ज्यादा ईजी बना देगा आप लोगों के लिए तो इसलिए हमें विजन आई एस पढ़नी है और जिन मंथ का आप न्यूज पेपर पढ़ रहे हो जिनके आप नोट्स बना रहे हो आप यू कैन ऑल्सो एड फ्रॉम दिस की आप एक जगह ही कंपाइलेशन कर लो ठीक है अपने नोट्स की वो भी आप कर सकते हो आपकी मर्जी है नहीं तो आप विजन आई एस के अंदर भी अपने नोट्स बना सकते हो और दृष्टि आई एस वॉट एवर मैगजीन दोनों में से कोई भी एक चूज कर लो अब क्या है विजन आई एस जो है वो वन मंथ में एक ही एडिशन आता है दृष्टि आई एस के दो एडिशन आते हैं देरफोर वो बहुत ज्यादा लेंदी है तो यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कौन सी मैगजीन है जो आप बिल्कुल पूरी पढ़ सकते हो और दोनों ही बहुत अच्छी हैं दोनों में ही बहुत अच्छे से चीजें कवर होते हैं इंपॉर्टेंट चीजें दोनों में ही अच्छे से कवर करवाई जाती हैं राइट सो इट इज आपको कौन सी पिक करनी है ओके okay? लीगल एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो लीगल एप्टीट्यूड भी हमारा पार्ट ए के अंदर भी है पार्ट बी के अंदर भी है और ये वाला पार्ट जो हमारा करंट अफेयर्स की तरह इंटरव्यू के अंदर भी ये वाला पार्ट हमारा होता है राइट right? तो इंटरव्यू के अंदर करंट अफेयर्स एंड लीगल एप्टीट्यूड इज वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो किसी चीज पर तो बात करेंगे ना कम्युनिकेशन करेंगे वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करेंगे तो बात करेंगे किसी चीज पर एंड

आंसर uh, राइटिंग की एबिलिटी विद योर आर्गुमेंट्स की एबिलिटी कि आप आर्ग्यूमेंट अगर दे रहे हैं तो क्या आप जो ओपिनियन दे रहे हैं क्या उसके uh, साथ आपका कोई रीजन है ठीक है तो वो रीजन मेक रीजनिंग एबिलिटी चेक कर रहे हैं आपकी ओके तो यहाँ अंडरस्टैंड द लीगल लैंग्वेज एंड बेसिक ऑफ कॉन्सेप्टवरीडे लॉ तो इसके लिए आप बेसिक टॉपिक्स पढ़ सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है बिकॉज इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी राइट टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल लॉ ये बेसिक्स आपको पढ़कर जाने हैं ठीक है ना ये बेसिक्स आप कहां से पढ़ सकते हैं एल ए एंड एल आर बाय विली की बुक ले सकते हैं विच इज अ गुड

आप जो क्वेश्चन रहे हो उसको रीजनिंग वाले टाइप में भी सॉल्व करो बट पहले उसके आंसर राइटिंग करो ठीक है ना सो so दैट आप अपनी कॉमन सेंस लगाओ अब नो no डाउट उन्होंने लॉ उठा कर दिया होगा बट यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि दे आर नॉट टेस्टिंग अस ऑन लॉ ठीक है रीजनिंग वाले पार्ट में वो हमारा एबिलिटी चेक करें कि वहां पे देखिए क्या दिया होता है फैक्ट्स दिए होते हैं ठीक है फैक्ट्स मतलब स्टोरी बताई होती है कि ये हो गया ठीक है फिर उन्होंने लॉ दिया होता है जिसको प्रिंसिपल बोल देते हैं कि अच्छा बताओ अब ये स्टोरी में लॉ कैसे अप्लाई करेंगे जो नॉर्मल डे में लॉयर्स करते हैं कि कोई आया उसके साथ कुछ हुआ अब लॉयर बताएगा कि ये लॉ है आपका ऐसा ऐसा हो सकता है राइट right, तो वो तो ये वाला पार्ट ए के अंदर तो आपका ये होगा पार्ट बी के अंदर आपको लॉ से नहीं आपकी कॉमन सेंस टेस्ट कर रहे हैं कि वो आप लीगली कितना अपने आप से सोच पा रहे हो तो अगर आपको उस लॉ के बारे में नहीं भी पता तो आप क्या रीजन निकाल कर ले सकते हो तो वहां पर कॉमन सेंस है बट कॉमन सेंस के साथ साथ वो आपके आर्ग्यूमेंट जो आप दे रहे हो अपने कॉमन सेंस की बेस के ऊपर और वो आर्ग्यूमेंट का रीजन क्या दे रहे हो वो टेस्ट कर रहे हैं राइट right. तो जब आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे लीगल लॉ पढ़ना स्टार्ट करोगे एल एन एल आर अंदर से यू हैव टू मेक श्योर कि जैसे ही वो पहला क्वेश्चन वो वो देते हैं आपको क्वेश्चन का आप आंसर बाद में पढ़े ऑप्शंस बाद में पढ़े सबको छोड़ दे कि ऑप्शंस तो है ही नहीं है सिर्फ ये फैक्ट और प्रिंसिपल है अगर मुझे इसका आंसर लिखना होता तो मैं कैसे लिखता तो वो अपनी नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर दे एंड इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हो वो रीजन आपके मैच करें जो वहां पर आंसर दिया हुआ है बट आपको पता चलेगा कि अच्छा रीजन ऐसे लिख सकते हैं ठीक है तो ये जो चीज है ये आपको करनी है एंड दिस इज द बेस्ट वे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनएल आट क्लियर किया है ट्वेंटी ट्वेंटी टू के अंदर उन्होंने यही किया था एंड दिस हैज वर्क फॉर देम सो दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर यू ऑल्सो बिकॉज दिस इज द बेस्ट मेथड इससे क्या होगा आपकी कॉमन सेंस और आपकी रीजनिंग एबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी बिकॉज जब आप आंसर पढ़ोगे आपको लगेगा अच्छा ऐसे भी लिख सकते थे ये रीजन भी दे सकते थे ऐसा भी दे सकते थे सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इससे आपकी दोनों हो जाएगी फिर आंसर कर दिया एक बार ही क्वेश्चन को फिर आप लीगल रीजनिंग फॉर्मेट के अंदर करें उसको कि ऑप्शंस और देखें कि कौन सी करेक्ट ऑप्शन है राइट सो एल एल आर बाय विली इज गोइंग टू हेल्प यू आउट और प्रैक्टिस करनी है तो आप पी वाई की उस बाइक कर सकते हैं क्लैट और एलेट के इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एक बुक ले लीजिए और वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं राइट right? आई वॉन्ट टू टेल यू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की भी जो प्रैक्टिस है वो आप पी वाई क्यूज क्लाट और एलेट के पी वाय क्यूज खरीदे और वहां से आप रीडिंग कॉम्प्रिंशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो वन बुक एंड यू कैन प्रैक्टिस फॉर टू सब्जेक्ट्स लाइक ऑलमोस्ट थ्री टू फोर सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस आप उसी बुक में से कर सकते हैं तो ये बुक आपको बाय कर दिए लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग की तो क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ही बेसिक सी आई थी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर किसी ने बहुत अच्छे से हुए थे तो वो क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी बहुत आराम से सॉल्व कर पा रहे थे बट फिर भी आप बेसिक्स ऑफ आर्ग्यूमेंट पढ़कर जा सकते हैं बेसिक्स ऑफ अजम्पन्स पढ़कर जा सकते हैं अगेन इसका पीडीएफ शेयर किया हुआ है मैंने अपनी वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लॉगेडी डॉट कॉम पर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई प्रोवाइड आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ना है मतलब अगर इस बुक में जो ये पीडीएफ है इसका आपको ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट भी समझ में आ जाता है तो बहुत आराम से एग्जाम में यू नो आंसर कर पाएंगे गाइस प्लीज मेक श्योर कि आप एनएल 60 uh, का जो पेपर है क्वेश्चन पेपर है एनएल 60 2022 का उसका प्रिंट आउट निकलवा कर रखें एंड व्हेनेवर यू गेट कंफ्यूज कि मैं कुछ ज्यादा या कुछ कम तो नहीं पढ़ रही हूँ, आपको अपने क्वेश्चन पेपर को रेफर करना है राइट दैट इज योर बाइबल वहां से आपको पता चल जाएगा कि मैं सही ट्रैक पे हूं या नहीं

क्या आपकी खुद की कोई ओपिनियन है अगर ओपिनियन है तो उसके साथ क्या आप उसको रीजन दे पा रहे हो रीजनिंग एबिलिटी भी वो आपकी चेक कर रहे हैं राइट तो यहाँ पर ऑब्वियसली कम्युनिकेशन होगी तो वो लोग क्या किन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं मोस्टली करंट अफेयर्स लीगल एप्टीट्यूड लीगल करंट अफेयर्स तो यही चीजें जो आप पार्ट ए और पार्ट बी के लिए पढ़ रहे हैं वही चीजें आपको हेल्प करेंगी इंटरव्यू के अंदर भी राइट लीगल एप्टीट्यूड आप पढ़ेंगे तो यही चीजें इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन टू आस्क यू पैशन फॉर लॉ एंड पब्लिक सर्विस वाई लॉ क्यों करना चाहते हो लॉ ठीक है ना क्यों आपने ऑप्ट करिए लॉ तो ये क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस मैंने ऑलरेडी बहुत सारी कर रखी हैं well. दे आर फॉर सिम्बाइसिस बट दे आर गोइंग टू वर्क फॉर एनएलट एज वेल एंड वो वीडियोस देखकर बहुत ही सारे बच्चों की एनएल साट भी क्लियर किया बहुत सारे बच्चों ने और सिंबाइसिस का एग्जाम भी सो so, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स

पार्ट ए इज क्वालिफाइंग एग्जाम बट अगर उसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तभी आप पार्ट बी के लिए पार्ट बी चेक होगा आपका एंड पार्ट बी में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं

बट आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप ए में अच्छा ना करो नहीं बिकॉज ए में अच्छा करोगे तभी बी चेक होगा बी में अच्छा करोगे तब इंटरव्यू की कॉल आएगी सो so, इंटरलिंक्ड है तीनों सेक्शन तीनों के अंदर ही अच्छा करना है इनकी प्रेपरेशन भी इंटरलिंक्ड है राइट फ्रॉम वे टू बिगिन सो फर्स्टली स्टार्ट रीडिंग द न्यूज ठीक है ना क्योंकि देखो आप सब चीजें जो हैं वो आप कवर कर सकते हो बट जो न्यूज़पेपर मिस हो गया वो मिस हो गया ठीक है ना तो इसलिए अब और न्यूज़पेपर मिस मत करो एंड फ्रॉम टुडे इट Start reading the Hindu. Okay, visit my channel, Edugiri, and start reading the Hindu. Join Edugiri's Telegram group from wherein you can pick up the newspaper. ओके स्टार्ट मेकिंग नोट फ्रॉम द हिंदू दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू स्टार्ट डूइंग इफ यू वांट टू क्लियर एन एस ठीक है ना अगर एनएसएट क्लियर करना है तो न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा उसके बिना नहीं हो सकता एज सिंपल एज दैट न्यूज़पेपर का कुछ भी सब्सटीट्यूट नहीं है ओके इवन इफ यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन जनवरी फेबर वेन एवर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर रीडिंग प्रीवियस मंच न्यूज फ्रॉम द मैगजीन दैट इज योर विजन आई एस और दृष्टि आई एस जो भी है जो भी आपको पिक है कनिया में से अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए देखिए मिनिमम टाइम दैट यू हैव टू गिव एवरी डे ये आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी डे थ्री आवर्स दे दीजिए आप वन टू वन पॉइंट फाइव आवर्स आप अपना न्यूज पेपर को दें और 1.5 पॉइंट आवर्स में से 30 मिनट्स जो है वो आप अपना प्रीवियस ईयर प्रीवियस मंथ्स की मैगजीन को दे सकते हैं और जो वन आर है वो आप कोई भी सब्जेक्ट उठाकर पढ़ सकते हैं इफ यू कैन गिव मोर देन थ्री आवर्स प्लस देन यू कैन इंक्रीज द टाइम लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्टार्ट गिविंग वन आर टू द प्रीवियस मंथ्स मैगजीन एंड टू आवर्स टू योर सब्जेक्ट ओके फॉर न्यूज पेपर वन टू वन पॉइंट फाइव आवर्स इनफ फॉर मेकिंग नोट्स एज वेल एज रीडिंग द न्यूज पेपर right start with any one subject i would say start with reading comprehension first then you can move on to legal reasoning and then you can move on to your critical reasoning i've already explained how you have to prepare for all of these subjects then you can cover your grammar topics also right so this should be your sequence thereafter practice essay writing so practice essay writing ke liye, what i'm going to suggest is start att attending education session and whenever फिर कॉमेंट कर देना की हम एनएलट वाले भी आ गए ऑफ दिस सेशन आपको टॉपिक्स दे दिया करूंगी की ये टॉपिक जो है इसके ऊपर आप ऐसे लिख सकते हो राइट right? अगर आप बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखने लग जाओगे तो हम लोग डिस्कशन भी कर सकते हैं कुछ ना कुछ डिस्कशन का कर लेंगे बट यू गाइस नी टू कम टूगेदर राइट तो मतलब मैं आपको टॉपिक्स देना स्टार्ट कर दूंगी एंड उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये पॉइंटर लिख सकते थे ये कर सकते थे दिस इज आई टू बिगिन विद ठीक है ना तो ये टॉपिक्स मैं आपको दे सकती हूँ फॉर श्योर बिकॉज न्यूज पेपर में से ही हैं। पिछले वाले टॉपिक्स में हम देख लेंगे क्या करना है ठीक है तो ये चीजें आप करना स्टार्ट कर दें तो आपकी जो प्रेपरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी अभी से सो so गाइस अगर आप मेरे साथ डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो आप वन ऑन वन सेशन बुक कर सकते हो ये एक पेड सेशन होता है आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो ग्राम पे हम लॉगरी के नाम से हैं, इंस्टाग्राम पे हम आई एम लॉगरी के नाम से हैं सो डू फॉलो देर फॉलो बोथ माई चैनल दैट इज लॉगरी एज वेल एज दैट्स दैट लॉगरी साइनिंग ऑफ एल्सून एंड टेक केयर